सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर एरावत के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जर्मनी में हुए इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया भर में 75वां स्थान मिला है। एरावत को सीडेक पुणे में इंस्टॉल किया गया। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान ये घोषणा की गई। आगे बढ़ेंगे। एरावत AI भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है और देश की AI क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। एरावत भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं AI सुपर कंप्यूटर एरावत की और कुछ खास बातें। एरावत, जिसकी स्पीड 13,170 टेलीफ्लॉप्स है, इस कंप्यूटर को इसी साल लगाया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम जो है वो नेट वेब है। इस कंप्यूटर में प्रोसेसर की अगर बात करें तो वो 81,344 कोर है। एरावत देश के सामाजिक आर्थिक उन्नयन में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनकल्याण के लिए उपलब्ध करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आगे बढ़ेंगे। देश की इस उपलब्धि पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अखिलेश शर्मा ने, ये IT सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा कि डिजिटल एज की प्रमुख टेक्नोलॉजी ऑफिशियल इंटेलिजेंस है और भारत के पास ऑफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी स्किल्ड वर्क फोर्स भी है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुपर कंप्यूटर आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं, जटिल गणनाओं को कम समय में हल करने की, मतलब सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, सक्षम होते हैं। इसका डाटा प्रोसेसिंग क्षमता भी जो होता है, वो डाटा प्रोसेसिंग पावर भी होता है, वो कई गुना तेज होता है। एक सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में तेज गति से उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग कर सकता है, यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही तेजी से काम करता है, बहुत ही तेजी से इसका प्रोसेसिंग जो होता है, पावर जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। और देखिए, भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में भारत के सबसे शक्तिशाली नागरिक सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष और मिहिर हैं। ये 6.8 पेटाफ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता के साथ क्रमशः भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित किए गए हैं। भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर परम सिद्धि AI कंप्यूटरों की शीर्ष 500 सूची में 63वें स्थान पर रखा गया है। 1991 में जारी परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसे स्वदेशी तकनीक के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए, आगे बढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है ये देख लेंगे। देखिए, खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान, ब्रह्मांड का अध्ययन, कृत्रिम उपग्रह एवं प्रक्षेपण यान की गणना, जटिल अनुसंधान के क्षेत्र, जीव विज्ञान, जेनेटिक अनुसंधान, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आणविक अनुसंधान, क्वांटम फिजिक्स, जटिल आर्थिक मॉडल, मौसम विज्ञान। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। यहाँ पे तीन कंप्यूटरों के नाम दिए गए हैं सुपर कंप्यूटरों के जो तेज हैं। देखिए, फ्रंटियर सिस्टम, ये USA का है। दूसरा फुगाकू जापान से, जो कि आपको नाम देख के ही लग रहा होगा, फुगाकू सिस्टम ये जापान का है। तीसरा लूमी है, ये है फिनलैंड का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।